हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0। आज ये हिस्ट्री का क्लास पार्ट 3 है और ऐसे क्लास रेगुलरली सीख चल रहा है। इसके पहले 3 क्लास फिजिक्स का हो चुका है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से है आज का टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और हाँ, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यूट्यूब में सर्च करें UGC अड्डा 2.0 और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन की अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी तिरुवल्लुवर वर, कबीर, मीराबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तिरुवल्लुवर। बताते चले कि जिससे कि इससे रिलेटेड है कि तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है, निम्न में से कौन सी साहित्य की कृति संस्कृत में रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी साहित्य की कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन ए रत्नावली, बी तिरुकुरल और सी रहेगा राजतरंगिणी और डी रहेगा मेघदूत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर तिरुकुरल। और इसमें बताएं कि जिसमें तिरुकुरल में नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तिरुकुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ये मिसलेनियस हिस्ट्री का है, ऑल हिस्ट्री इसमें आ जाएगा। इसकी इसलिए इसका प्रत्येक टॉपिक का नाम नहीं दिए हैं, इसलिए मिलता जुलता है प्रत्येक क्वेश्चन। हाँ, तो पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ऑप्शन ए रहेगा राजा राज चोल, महेंद्र वर्मन प्रथम, राज सिम्हा और विक्रमादित्य। तो इससे रिलेटेड है कि महेंद्र वर्मन ने अकेले संस्कृत नाटक एवं ग्रंथ लिखे और उसने मत्त विलास प्रहसन तथा भगवत जून कियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है और भीमबेटका कौन सी प्रदेश में स्थित है? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 1000 साल, 5000 साल और 30000 साल इससे पूर्व पुरानी है, 300 साल पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 30000 साल। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30000 साल। और भीमबेटका कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? इसके पहले हम लोग आंसर जान लिए हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो पहला नंबर ऑप्शन में रहेगा बिंदुसार, दूसरा रहेगा अशोक और सी नंबर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य और डी रहेगा कनिष्क। तो 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अशोक। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची कहाँ में स्थित है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संरचना
बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए रहेगा सारनाथ, बी सांची, और सी रहेगा कोणार्क, और डी रहेगा महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, सारनाथ में। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, यानी दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए मलेशिया, बी श्रीलंका, और सी रहेगा नेपाल, डी चीन। तो बी को टिक आउट करेंगे। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, यानी कहाँ में है? खजुराहो के स्मारक कहाँ में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी रहेगा बिहार, सी मध्य प्रदेश, और डी रहेगा गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश, एक यहाँ से और क्वेश्चन निकलता है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और खजुराहो में चंदेल राजा यानी खजुराहो का स्मारक किनके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ से तीन क्वेश्चन हो गया, यानी खजुराहो के स्मारक कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। और इसका PDF आने के लिए आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पर प्रत्येक दिन PDF इसका लगाया जाता है, और सारे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, रीजनिंग का भी और हिस्ट्री फिजिक्स मैथ का भी है और इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाकर सीधे से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यानी खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? ऑप्शन में दिया हो रहा है यूनानी शैली, बी भूमिजा शैली, और सी वेसरा शैली, और डी नागर शैली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नागर शैली। यानी एक फैक्ट यहाँ से निकलता है कि खजुराहो के मंदिरों का काल यानी कितना से कितना ईस्वी के बीच रहा होगा? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच रहा खजुराहो मंदिर का काल। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? नागर शैली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर, बी वृद्धेश्वर मंदिर, सी ओंकारेश्वर मंदिर, और डी रान कपूर आदिनाथ मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिलवाड़ा मंदिर। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। यानी दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू कहाँ में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए शेषाद्री, डी नीलाद्री, और सी नारायणाद्री, और डी है वेंकटाद्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेंकटाद्री। और इससे एक फैक्ट और निकलता है कि तिरुमाला भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला का एक पहाड़ी है। तिरुमाला मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला का एक पहाड़ी है, और यह मंदिर सप्तगिरी के सातवीं पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर कहाँ में स्थित है? सप्तगिरी के सातवीं पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान कब बनाया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, यानी इस वंश लिखा हुआ है? ऑप्शन ए चोल वंश, पल्लव वंश, पांडे वंश, चेर वंश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर का, बी नंबर पल्लव वंश। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश किस वंश के
शासनकाल के दौरान बनाया गया था, यानी पल्लव वंश का। और एक चीज़ यहाँ से और कि कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कैलाश मंदिर कांचीपुरम शहर के पश्चिम दिशा में स्थित है। कैलाश मंदिर तमिलनाडु राज्य के कौन राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर के पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 14 नंबर आ जाइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। कौन शहर में स्थित है? मदुरै शहर में, तमिलनाडु राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया रहेगा बंगाल की खाड़ी, पालक स्ट्रेट, हिंद महासागर और अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, डी नंबर। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और यहाँ के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसके शासकों द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट द्वारा करवाया गया था। यानी एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर तरह तरह से पूछते रहता है एग्जाम में। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? ऑप्शन ए रहेगा कोणार्क मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी ब्रह्मेश्वर मंदिर और डी मुक्तेश्वर मंदिर। तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोणार्क मंदिर। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? कोणार्क मंदिर को। यानी कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चुइंगंग ने बनवाया था। यानी पुरी में कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है, यहाँ पर सूर्यदेव का मंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएँ जिनमें लगभग 35 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, यानी बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी, यानी कितने ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व की थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता की गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की थी। यानी अजंता की गुफाएँ औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और वैद्य धर्म के महायान शाखा से संबंधित चित्र है इसमें गुफा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट है 20 नंबर, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कैदार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? निम्न में से किसने माउंट आबू को पास कैदार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कंटेंट मेरा साफ सुथरा है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए। 19 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कैदार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? यानी किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था मोहम्मद गोरी को। चलिए लास्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 20 नंबर है, और आपको ऑप्शन में दिया हो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और डी रजिया सुल्ताना।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? भारत में गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के गुलाम वंश का यह संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये 1206 से 1210 ईस्वी तक किया शासन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं की जाए तो कौन कर सकता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।